स्ट्रीट व्यू ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का स्ट्रीट व्यू, छत पर से कदाया फार्म जो कि तालाब के किनारे है, ऊपर भव्य तरीज हो रहा है छत में होल करने के लिए। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज मार्केट शाम में जाना पड़ेगा, तो अब पहले मैं घर जाता हूँ और जो भी यहाँ का थोड़ा होमवर्क है जो वह पूरा कर लेता हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मिलते हैं थोड़े समय में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मैं भी दोपहर में आने तो फिर होगा तो इवनिंग में स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा होमवर्क है तो उसे क्लियर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़े समय में। थोड़ा बहुत एलोवेरा है आम का पेड़, हाँ यहाँ पर बीज अभी तो नहीं जुलमा है, छोटा सा पेड़। आप लोग डॉक्टर बैठते हैं, तो चलिए आज का आप ब्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ। अब मिलते हैं थोड़ा समय में, रोड ट्रिप पर स्टार्ट है। तो यार हमारे एक चाचा जी का घर जिसके पीछे हम लोग का फार्म है, तो चलिए अकेले अभी मोटर ट्रिप रोड ट्रिप पर निकल चुका हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत खेतों में गेहूँ बचा हुआ है, थोड़ा कुछ लोगों का अभी दौनी हो रहा है जिसमें से गेहूँ तथा भूसा को अलग कर लिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो भूसा गाय और भी अन्य जानवरों को खा लेती है, बट यह हरियाणा और पंजाब में इतनी मात्रा में होती है कि वहाँ आधे से ज़्यादा पुलाव बोले तो भूसा को जला दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ प्रदूषण हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, तो यहाँ पर अब शाम के समय इवनिंग में ट्रेन क्रॉस करी तो गुमटिया बंद है 7:10 है। तो फोन आया था कि हमारे घर में न्यू बेबी आया है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, भैया भी साथ में है तथा हमारे घर में हिंदुस्तानी मेम्बर्स, तो का स्वागत है। तो हाँ जी, तो नक्को स्थान, तो चलिए मिलते हैं थोड़े समय में।